नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका दमन न्यूज बुलेटिन में। समाचार से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ऑल इंडिया बैंक बंद ने रोकी करोड़ों की क्लियरिंग्स। धर्मपुर आदिवासियों ने फेक जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने की उठाई आवाज। बोर्डी में चिकू फेस्टिवल 2020 का हुआ आयोजन। उमरसाड़ी पार नदी पर ब्रिज का कार्य तेजी से चल रहा है। अब समाचार विस्तार में। ऑल इंडिया बैंक यूनियन द्वारा दो दिन शुक्रवार शनिवार बंद का हुआ ऐलान। बंद के चलते करोड़ों रुपए की क्लियरिंग्स हुई ठप। बैंक कर्मचारियों के पगार में 20% वृद्धि एवं पुरानी पेंशन योजना को फिर से अमल में लाने जैसी 12 मांगों को लेकर ऑल इंडिया बैंक के कर्मचारी यूनियन द्वारा दो दिन शुक्रवार शनिवार बंद का ऐलान हुआ है। बंद के चलते करोड़ों रुपयों की क्लियरिंग्स ठप हुई है और बैंक्स के ग्राहकों में भी लाचारी दिखाई पड़ी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित 11 नेशनल बैंक्स की 350 शाखाओं के कर्मचारियों हड़ताल में जुड़े। कल रविवार होने से सरकारी सेवकों को सोमवार तक अपनी तनख्वाह का इंतजार करना पड़ेगा। धर्मपुर मूल आदिवासियों द्वारा गुजरात सरकार के द्वारा बांटे गए झूठे जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने की हुई मांग। धर्मपुर मूल आदिवासियों द्वारा 23 जनवरी 2020 गांधीनगर स्थित रबारी, भरवाड़ एवं चारण को दिए गए फर्जी जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए धरना प्रदर्शन के जरिए आवेदन पत्र मामलेदार को सौंपा गया। तारीख 29 अक्टूबर 1956 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से गिर, बर्डो और चारण जातियों को अनुसूचित जनजातियों में समावेश करने में आया था, जिससे नैश विस्तार में रहते रबारी, भरवाड़ और चारण जाति के लोगों को राज्य ने झूठे प्रमाण पत्र दिए हैं। उन्हें तत्कालीन रद्द करने और प्रमाण पत्र देने और लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग है। गुजरात सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के साथ जो गैर कानूनी कार्य हुआ है उसे निलंबित और फर्जी ठहराने की मांग हुई है। આપણે જે આરબી છે, ચારા દબારી ભરવાલ લોકો જે આદિવાસી માં જે મર્ચ કર્યા છે સરકારે, તેના વિરોધમાં આપણે આજે રેલી કાઢી છે અને ધરણાનો પ્રોગ્રામ છે થોડી વાર બેસીને પછી આજ રોજ 2020 જે ચારણ રબારી ભરવાડને જો આદિવાસી સમાજ આદિવાસીમાં સમાવવામાં આવ્યા છે સરકાર દ્વારા, તેના વિરોધમાં આજે આવેદનપત્ર આપ્યું હતું અને ધરણા કરવામાં આવ્યા હતા અને ઘણી સંખ્યામાં લોકોએ એનો વિરોધ નોંધાવ્યો છે અને જો આ માંગણી અમારી જો પૂરી નહીં થાય તો 6 તારીખે અમે કલેક્ટરને પણ આવેદનપત્ર આપવાના છે, ધરણા કરવાના છે અને તોય પણ જો નહીં થાય તો પછી અમે અમારા જે પ્રતિનિધિ ચૂંટાયેલા છે તે લોકો કંઈ બોલતા નથી, તેમના ઘરે ક્યાં તો તેમની ઓફિસે જઈને પણ અમે ધરણા કરવાના છે અને અમારી આ લડાઈ કાયમ માટે જ્યાં સુધી આ માંગણી પૂરી નહીં થાય ત્યાં સુધી ચાલુ રહેશે। ચીકુ ફેસ્ટિવલ 2020 કા હુઆ આયોજન, મહારાષ્ટ્ર કે બોર્ડી ગામ મે દેખને મિલી ભારી ભીડ। किसानों को प्रोत्साहन मिले इस उमंग के साथ चिकू महोत्सव गुजरात और महाराष्ट्र के किसानों को आशीर्वाद स्वरूप मिला है। चिकू फेस्टिवल 2020 दो दिवसीय आयोजन है। फेस्टिवल महाराष्ट्र के बोर्डी गांव में आयोजित हुआ है। फेस्टिवल में विविध प्रकार के स्टॉल्स देखने को मिलते हैं जो कि आकर्षण का केंद्र है। चिकू फेस्टिवल में हर साल तकरीबन 5 लाख लोगों का फुटफॉल होता है। स्वस्ति न पूषा पुष्पगुच्छ आणि आपलं त्या देऊन त्यांच मन चिकू फेस्टिवलचे आयोजन करण्यासाठी
संस्था स्थापन करताना आम्ही संस्थेची काही उद्दिष्ट निश्चित केली होती, त्यामध्ये पर्यटन व पर्यटन उद्योगाशी निगडीत अशा उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, ग्रामीण कला व संस्कृतीची जोपासना व प्रोत्साहन, कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चालना व प्रशिक्षण आणि मार्केटिंग, आणि पर्यायाने ग्रामीण भागात समृद्धी व ग्रामीण जीवनाला प्रतिष्ठा प्राप्त करून देणे. आणि आपलं मेमेन छो हे देऊन आपण त्यांच्या शासनांचं सुद्धा आपल्या चिकू फेस्टिवलतर्फे मनपूर्वक. आणि आता आपण असं म्हटले भगवंतांनी. वडमा इना वजह से मारो नाम वदा चिकुन थव गेलो छे. जे चिकुना बाग खेडू कापामा लेवा न होता ते आजे कापाना बंद केले असताना आणि तिने हॉटेल टुरिझम आणि नया नया शोध लगाडी ते धंदा करवा बिझनेस चालू करवा छे. તેવું જે હોય તો ચીકુન માર્કેટ ચડ ઉતાર તો ચાલુ જ રહે છે. સિઝનમાં કોઈ ભાવ સારો બી રહે મંદી બી રહે, પણ એના એ મહોત્સવના વજહ અમારે બહુ ફાયદો થાય છે કે ચીકુનની જે ક્વોલિટી હતી, ચીકુમાં જે કન્ટેન્ટ હતા તે પબ્લિકને કોઈને ખબર નહીં હોતા. ચીકુના કયા કયા આઇટમ બને તે બી ખબર નહીં હોતા, પણ એ મહોત્સવ છે વધે છે બધા આઇટમ બધાને ખબર પડતા ગયા અને ખપ બી વધતો ચાલ્યો. ચીકુ ફેસ્ટિવલ ટુરિઝમ પ્રમોટ કરને કા એક બહુ બડા ઓપોર્ચ્યુનિટી હૈ. मैं इसलिए कहता हूं कि टूरिज़्म एक ऐसा एक्टिविटी है जिसका कंजम्पशन उस प्लेस में ही होना है. जब जैसे कि बोर्डी जैसे जगह पे ये फेस्टिवल हो रहा है और इसमें जो फार्मर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है और इसका मेन अट्रैक्शन चीकू है विच इज़ एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ के चीकू को वैल्यू मिल रहा है, यहाँ के चीकू को ब्रांडिंग हो रही है. तो इससे लोगों को चीकू से रोज़गार मिलने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है. सो इसलिए अगर इसको टूरिज़्म के साथ जोड़ें तो इस विलेज के अराउंड जितने भी घर हैं वहाँ पे लोग आके रह सकते हैं, होम स्टेज डेवलप कर सकते हैं, जिससे लोगों को रियल एक्सपीरियंस मिलेगा. दमन न्यूज़ बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का.
कृपा स्टेशनरी एंड जेरोक्स वेलकम्स यू टू अ न्यू स्टेशनरी एंड गिफ्ट शॉप इन दिलीप नगर. वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ ब्रांडेड स्कूल्स एंड ऑफिस स्टेशनरी सच एज नवनीत डोम्स कैमलिन क्लासमेट ब्रांडेड ऑफिस फाइल्स बॉक्स फाइल्स डायरीज कंपास पाउचेस वाटर बॉटल्स टिफिन स्कूल बैग्स प्लास्टिक फोल्डर्स यूएसबी स्टिक्स एंड ऑल जेरोक्स कॉपीज पेपर कलर प्रिंट लैमिनेशन एंड जेरोक्स एंड ऑल्सो वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ गिफ्ट आर्टिकल्स गिफ्ट किट्स वेरियस स्टैचूज शो पीसेस फैशनेबल हैंड बैग्स पर्सेस क्रॉकरी परफ्यूम रिस्ट वॉचेस वॉल क्लॉक्स फोटो फ्रेम सीनरीज डेकोरेटिव नाइट लैम्प्स रूम स्प्रेस की चेन्स सॉफ्ट टॉयज एंड गेम्स आइटम लाइक लेजर लाइट्स बैटरीज टॉर्च प्रोजेक्ट आइटम्स लाइक माइनर मोटर्स एंड ऑल्सो ग्लू गन ऑल टाइप्स ऑफ बर्थडे आइटम्स कलरफुल बलून कैंडल्स कैप्स एक्सेट्रा ऑल आर अवेलेबल एट आर शॉप. प्लीज टू विजिट टू आर शॉप नेम साई कृपा स्टेशनरी एंड जेरोक्स एंड गिफ्ट शॉप इन दिलीप नगर. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका. उमरजाड़ी पार नदी पर बनते ब्रिज का काम लगभग हुआ पूर्ण. वलसाड जिले में कोस्टल हाईवे की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पारडी और वलसाड के बीच उमरसाड़ी पार नदी पर अंदाजित 50 करोड़ की लागत से ब्रिज बनाने का काम चल रहा है. आज तक में ब्रिज का 70% कार्य पूर्ण हो गया है. ब्रिज के पूर्ण होने के पश्चात संघ प्रदेश दमन उमरगांव पारडी एवं वलसाड जैसे शहरों के बीच आवागमन करते लोगों का काफी समय बचेगा. ब्रिज अप्रैल 2020 तक तैयार हो जाएगा. પાર નદી ઉપર વલસાડને જોઈ તો કોસ્ટલ હાઈવેનો જે બ્રિજ છે એ લગભગ 50 કરોડના ખર્ચે અંદાજિત ખર્ચે એ તૈયાર કરવાની સંપૂર્ણ કામગીરી ફૂલ જોશમાં ચાલે છે અને હવે આ કામ એપ્રિલ કે મેના ફર્સ્ટ વીકમાં લોકાર્પણ માટે તૈયાર થશે અને આ વિસ્તારના વલસાડના તેમજ પારડી વિસ્તારના અનેક ગામોને આના લીધે ફાયદો થશે અને ખાસ કરીને હાઈવેનું ભારણ એટલા માટે ઘટશે કે દમણ અને વાપી જતા ઘણા નોકરિયાતો આ રસ્તાનો લાભ લેશે. ઉમરગાંવ નગરપાલિકામાં સામાન્ય સભા કી હુઈ બેઠક. ઉમરગાંવ નગરપાલિકા સામાન્ય સભા પાલિકા પ્રમુખ રામ સબદ સિંહ ઉપ પ્રમુખ જાગૃતિબેન દેસાઈ કારોબારી અધ્યક્ષ ગૌરવભાઈ માછી કી ઉપસ્થિતિમાં આયોજિત હુઈ થી. સભા શુક્રવાર શામ 4 બજે હુઈ થી. सभा में एजेंडे के अनुसार चर्चा हुई. वहाँ पूर्ण टैप दे सकते बाहर नल देकर दे सकते तो कहने का मतलब ऐसा कि ऐसा बहुत कम कंप्लेन आ रहा है कि भाई हम पैसा नहीं भरेंगे. अब बिल्डिंगों का इश्यू था तो चार पर आपने एक नक्की करो ये चार पर एक पहला एक पर एक कर दो तो आपने चार पर एक पर तमे चकासनी करो ये चकासनी तो कह रहा इंजीनियर है પણ એના ઉપર જે ટ્વીટા હતા તેના ઉપર તમે જે કુલદેવી વાળા કોન્ટ્રાક્ટર એ સ્લાબ ભરીને નીકળી ગયા. હવે એ મુખ્ય રજૂઆત કહી હતી પછી છતાં પણ અમે તમે પણ એના લેટર મેસેજ કર્યા છે પેલું જાહેર શૌચાલય તો બહેનો નહીં મળે. પછી કઈ જગ્યા કેટલી જગ્યા ઉપર ટેડી મેડી કરીને જીતીને આવેલા કોન્સિલર છે એ રોકના તો જાણ પણ નથી કે કોની આકારની થતી છે કોની નથી. જે એના એના આકારની માં જે સિગ્નેચર રાખેલા હતા એ કેવી રીતે તમે કાઢ્યા છે આ તો કાઢવાની જરૂરત જ નહીં મળે. આખા વલસાડ જિલ્લાથી નવસારી સુધી કોન્સિલર ની સહી લે આગળ પાણી જે ભરાયેલું વોર્ડ નંબર 5 માં અને 4 માં કામરવાડ વિસ્તારનું જે બધું એના માટે આપણે એક મોટું આયોજન લીધેલું છે. વોર્ડ નંબર 5 માં પાણી ના ભરાય એટલા માટે આપણે એનું ડાયવર્ઝન એક ત્યાંથી માયાવંશી ફળિયાથી આપણે દરિયા બાજુ કાઢવાનું એક આયોજન લીધું છે. હાલ તાંત્રિક મંજૂરી હેઠળ છે. સર્વે તો થયેલું છે બરાબર અને નગરપાલિકા અધિનિયમ હેઠળ જે તે ઓનર બિલ્ડર ઓનર છે એ બધાને નોટિસ બી આપી દીધેલી છે અને એ જવાબદારી બિલ્ડરની હોય છે કે તાત્કાલિક ઇમારત ખાલી કરાવી અને ત્યાં ઇમારતને જમીનદોસ કરીને નવું આયોજન કરે. પારડી સિંઘાને સ્કૂલમાં મનાયા ગયા 6th એન્યુઅલ ડે. પારડી હાઈવે સ્થિત સિંઘાન્યા સ્કૂલમાં 6th એન્યુઅલ ડે શુક્રવાર શામ 5 બજે બડે હી ધૂમધામ સે મનાયા ગયા.
बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, आचार्य भी उपस्थित रहे। स्किल्स एंड वैल्यूज थ्रू काइनेस्थेटिक अप्रोच। एसेट इज एन एक्सटर्नल मैथ्स एंड सेंसेस हैव बीन अचीव्ड एंड मेनी येट टू अचीव। वी एट डॉक्टर विजयमती सुलोचना देवी सिंघानिया स्कूल फॉर बीइंग अ मेंटर ऑफ अवर कैडमिन एंड नॉन टीचिंग स्टाफ फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ एवरी स्कूल इवेंट एंड डिस्प्लेइंग ग्रेट एंड to please come up on stage. The foundation of our commitment that help us to grow intellectually for choreograph and physical. Chalo chalo, makhan khate hain. Likha hai kahin? Are o Yashoda. हजार मर्जों की दवा है। सुनेंगे अब तुम केवल हमारे लिए ही बांसुरी बजाओ। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ऑल इंडिया बैंक बंद ने रोकी करोड़ों की क्लियरिंग्स। धर्मपुर आदिवासियों ने फेक जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने की उठाई आवाज। बोर्डी में चिकू फेस्टिवल 2020 का हुआ आयोजन। उमरसाड़ी पार नदी पर ब्रिज का कार्य तेजी से चल रहा है। तो ये थे आज के दमन न्यूज के समाचार। नई घटना और समाचारों के साथ कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।